SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए और एहतियाती उपाय के रूप में कोविड रोगियों के समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन डोडा ने जिले के सभी 237 पंचायतों में 5 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर स्थापित किए हैं। इस संबंध में डीसी डोडा विकास शर्मा ने आज निकल धारा और दुड्डू पंचायत में सुविधाओं का निरीक्षण किया, साथ ही स्टाफ की उपलब्धता, उपकरणों और कोविड केयर कम आइसोलेशन केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दवाइयों के बारे में जानकारी ली। डीसी डोडा विकास शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना वायरस के खतरे के बीच स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विकेंद्रीकरण के लिए इस कदम को बढ़ाया गया है। इसके अलावा उन लोगों को आइसोलेट सुविधा प्रदान करने के लिए जिनके अपने घर में सुविधाओं की कमी होगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा पल्स मीटर, थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल किट व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। किया जा रहा है कि ऐसी डोडा दूर दराज का एरिया है, तो हमारी वर्चुअली सारी ही पॉपुलेशन हम मान सकते हैं कि रूरल एरियाज में हैं। हमारे अर्बन एरियाज हैं, हमारे म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, म्यूनसिपल कमेटीज हैं तीन हमारी, लेकिन ज़्यादा जो सारी पॉपुलेशन है वो यही कंसंट्रेटेड है। तो हमें सारे जो केसेज जो भी आएंगे ऑलमोस्ट रूरल एरिया से ही आएंगे, तो हमारा शुरू से फोकस पूरे एरिया पे ही रहा है। तो लास्ट ईयर भी मेजर्स अच्छे लिए गए, इस साल भी कंटेनमेंट मेजर्स अच्छे लिए गए हैं। तो उसमें पब्लिक का भी अहम रोल रहता है कि किस तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स को करें और गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें। तो उसी में आज एक दो जगह जहाँ जहाँ कोविड केयर सेंटर हमारे इंस्ट्रक्शन दी गई की थी कि हर पंचायत में हमारा कोविड केयर सेंटर है। पर्पस ये है कि ये कोई ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, इसमें आइसोलेशन सेंटर है ये। और गांव में इसको यहाँ रखा हर पंचायत में कि अगर कहीं किसी के घर में कोई होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई घर में कोई जगह नहीं है या ऐसी आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए हम एक एमोलेशन यहाँ तैयार करें ताकि अगर किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद आके यहाँ से जो टाइम जो वक्त है क्वारंटाइन का, जो पॉजिटिविटी का वक्त, सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको लाजमी देखना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है, तो वो यहाँ पे व्यतीत कर सके। तो यहाँ कोशिश की गई कि हर तरह की फैसिलिटी दी जाए और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो हमारे एरिया में मैं देखता हूँ सर अच्छा व्यक्ति है, यहाँ पे एक पंचायत लेवल कोविड का एक कमेटी बनाई है। 237 जो हमारे पंचायत हैं वो डोडा में, उसके लिए उसमें सरपंच हैं, उसमें आशा वर्कर्स हैं तमाम जो भी इस पंचायत में होंगी, और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ग्राम सेवक हैं, वो थोड़ा कमेटी को मैनेज करेगा हम कोविड केयर सेंटर्स को। तो 5 बेड्स यहाँ पे आपने खुद देखे हैं यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, और कहीं कहीं जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे रहे हैं। हालांकि ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, लेकिन कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ उसको नियरेस्ट सब सेंटर या नियरेस्ट PHC या हॉस्पिटल की तरफ ले जाने के टाइम में जब ऑक्सीजन जरूरत है तो वहाँ अवेलेबल रहेगी। तो दूसरा ये काम कमेटीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अपने एरिया का ध्यान रखें। जहाँ लोग कुछ सिम्टोमेटिक लग रहे हैं, उस तरह का सस्पेक्ट केसेस हैं, तो उनको इमीडिएटली जाके टेस्टिंग की जाए और उनको इमीडिएटली उनके इंटरवेंशन की जाए। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम थोड़ी सी देर लगा देते हैं, बीमार होता है, फीवर होता है, 2-4 दिन की जगह 5-6 दिन लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जब अर्जेंसी बढ़ जाती है, इमरजेंसी के टाइम क्या होता है, डॉक्टर्स के पास उतना वक्त नहीं मिल पाता, तो उससे जो एक चीज़ रिकवर हो सकती थी टाइमली, वो रिकवर नहीं होके वो डेथ की तरफ चली जाती है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है, उसकी अवेयरनेस लोगों को दिलानी है कि ताकि लोग जैसे ही उनको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं किसी भी तरीके से, तो उसका इमीडिएटली इलाज किया जाए, इमीडिएटली हमें पता चल जाए कि इसको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है। वो वक्त बर्बाद ना हो जो हमारा घर के अंदर या इधर उधर की ट्रीटमेंट जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उस पर निर्भर ना रहे। जी सर, मेजॉरिटी ऑफ जो पंचायत में PRS का कहना है कि जो गवर्नर की तरफ डोडा से दी अर्थ न्यूज के लिए इरफान मलिक की रिपोर्ट।